मारे हुए दर दर की ठोकरे खाते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तुम तो उतर जी जाए हो। हाँ मोही का माप कहते हो जीजा, मजा तो तुम यही था को पता नहीं काम मुसीबत आगे बिचार। क्या बात है राज दरबारी? बात ये है कि दरवाजे पे उदल जी जाए हुए। क्या कहा? और उनका भेष ऐसा है कि अब ना पूछो, पहले आते थे यहाँ पे, जब पहले आते थे कैसे शान शौकत से आते थे। सही कहा। और आज मैं क्या देखा हो कि उनके बदन में मिट्टी लगी हुई है। क्या? कपड़े फटे हुए हैं। क्या कहा? पता नहीं क्या बात है। राज दरबारी उनको तुरंत बुला ले करो। मैं लेके आ रहा हूँ। आइए आप चलिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने फौरन आपको बुलाया है। बुलाया है? हाँ ठीक है, चलो आइए आइए। तैयार है ना? अरे बहनोई साहब, आप आ भैया, आपके आंखों में आंसू और आपकी चमड़ी उधरी ही, और जब भी कभी आते थे तो घोड़े में सवार होकर आते थे, लेकिन आज तुम्हारी ये हालत बताओ किसने की? भैया अरे हूँ मुसीबत का बारा, अरे हूँ मुसीबत का बारा, कल किसी भैया बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करके आ रहा हूँ। आखिर कैसी मुसीबत? आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे। कैसी मुसीबत? क्या हुआ मुझसे भी बताओ। भैया जेठ दशहरे की पर भी थी और वही देश देशांतर के राजा महाराजा सभी गंगा स्नान करने जा रहे थे। अच्छा। मामा वाहिर ने बताया कि सब हर जगह से, हर शहर से जा रहे हैं सभी लोग, देश देशांतर के राजा महाराजा, महोबा से कोई नहीं जा रहा। अच्छा। उसके बाद में तैयारी बनाया, बेटा इंदल मैं भाभी मछला वहाँ स्नान कर रहे थे, नाव निवरिया में हमारा बेटा इंदल गायब हो गया। भैया ने मारा, इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा पिटाई किया, जल्लादों के हाथ सौंप दिया। आगे क्या हुआ? भाभी माँ नौ लाख का हार दे के जल्लादों के हाथ से छुड़ाई है, तो मैं, मेरा बेटा जो इंदल गायब हुआ है, खो गया है, उसी के लिए मैं आपके पास मदद लेने आया हूँ, क्योंकि आप देवी दुर्गा के पुजारी हैं और माता जी से आराधना करते, विनती करते, अगर वो बता देती कि कैसे मिलेगा तो उसी उसी उद्धार से हम लोग काम करते और हमारा बेटा इंदल मिल गया। मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? आप माँ दुर्गा के पुजारी हैं और आपसे जीजा जी बोल रहे हैं कि आप दुर्गा माँ से आराधना करिए। हो सकता है ना कहे दुर्गा माँ, कहीं अगर पता लगा कर आपको बता दे तो आप इनको बता दीजिए, दुर्गा माँ की आराधना करिए, हो सकता है राजकुमार इंदल मिल जाए। ठीक कहा राज दरबारी, मैं दुर्गा माँ से आराधना करूंगा, अवश्य मिलेगा।
मैं तुम्हारा साथ दूंगा भानु संग। आओ चलो माता जी से आराधना करो। चलिए मेरी पुकार को सुन। आओ चलो भैया, आप 12 साल से तपस्या किए हैं माता रानी का, और आज ये थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा काम के लिए माता रानी से विनती करो, प्रार्थना करो कि हमारा बेटा इंदल है कहाँ, दुनिया में जीवित है या मर गया, कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। आओ चलो मेरे पुत्रों। क्या बता रही हैं माता रानी? पुत्रों आप घबराइए नहीं, आखिर बेटा इंदल कैसे मिलेगा माँ? अरे तुम्हारा बेटा इंदल वो और कहीं नहीं, वो इस वक्त बलक बुखारे में है। क्या? और बलक बुखारे में किसके यहाँ है? वो चित्र रेखा के कब्जे में है। अच्छा जो, और राजा अभिनंदन की जो बेटी है? हाँ वहीं पे है। वहीं पे है वो, लेकिन वो मिलेगा कैसे आपको? वो ऐसे नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? आप दोनों लोग जोगियों का भेष बनाकर अलग जगाते जगाते वहां तक पहुंच सकते हो। अगर जो सोचो कि ऐसे पहुंच जाए तो ऐसे वहां तक हरगिज नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है माँ, मैं तो यही सोच करके कुछ सोच करके आया था कि चलूं मैं अपनी ससुराल, और वहां भैया मकरंद देवी दुर्गा के पुजारी हैं, तो आज माता रानी आपने सही रास्ता बताया है। ठीक है माँ, आप अंतर ध्यान हो और हम चल रहे हैं तुम्हारे आदेश अनुसार, जो रूप धारण करके जा रहे हैं बलक बुखारा। आओ चलो भैया, चलिए आप लोग गौर करना दोस्तों, ये तमाशे का नाम था इंदल हरण और बलक बुखारे की लड़ाई। इसमें कैसे मामा माहिल ने फंसाया और कैसे चाल चला आप लोग गौर करना। अरे हाथ में मुसरी मांग पिलरवा, अरे हाथ में मुसरी मांग पिलर पर पादी पदरवा। हेलो और जब से नैना लड़ाई बात हो गए, जब से नैना लड़ाई
बाते आगे बढ़े रे देखिया रहेगा इंतजार में मल्लो। और हमारे तिलक भैया जहाँ कहीं भी हो फौरन सिंगार घर में आ जाए। तिलक भैया क्या बताऊं, जिस लड़कियों को मिलकर आई हूँ उससे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब जब उसके ऊपर से जादू हटा देती हूँ तब वो अपने सिर्फ चाचा को पुकारता रहता है। अगर उस पर जादू चला देती हूँ तो मेरे प्यार का दीवाना हो जाता है, न जाने वो मुझसे कब प्यार करेगा, अरे कब तक जादू चलाऊंगी। सच्चा प्यार तो बहुत अच्छा होता है। अब मुझे उसे अच्छी तरह से मनाना चाहिए कि चाचा को भूल जाए और अपने दिल में मुझे भुसा ले। क्या बताऊं, उसके प्यार को मैं उसका प्यार पाने के लिए कितना तड़पूंगी। और तेरे बस तेरे सजना, ओ तेरे बस तेरे सजना, नहीं नहीं मेरी जागीर जागी, नहीं नहीं मेरी जागी हो सारी सारी, नहीं नहीं जागे तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन। Hey,
जगाते जगाते गाते बजाते भजन गाते चले चलिए भैया। और नजर नहीं आता, और नजर नहीं आता, और नजर नहीं आता, अरे पंछी भैया हो या ना कहो, नहीं दोनों जन के ऊपर वह लाठी गिरे भैया, ठीक ना। यह समझ लो कि मानो तो हमारे गुरु है,
अच्छा और हम तुम्हारे चेला हैं। यह ठीक रही ना औका, तुम्हारा नाम रहेगा धनराज बाबा, मेरा नाम रहेगा गिरिराज बाबा। ठीक है गिरिराज बाबा, ठीक ना, नाम नहीं भूलना, नहीं वो बलक बुखारा है, वहां फिर सोच लो कि अच्छी मेहमानी हो जाए। ठीक है चले चलिए, और का है भजन, और क्या आनंद आ गया। हेलो हेलो, और प्यारा तेरी पाती, और प्यारा तेरी पाती, हर पसवा आहे पिया, कहना है तेरी गाथा कथैली, कहना है तेरी पाती, कहना है तेरी गाथा कथैली, कहना। अरे तुम तो बसवा फरो न भूलो, अरे बन गए जलम के पापी, बसवा काहे बताऊ। अरे जर कुल मा तोरी गाठा कठैली, पर पर मा पात, जर कुल मा तोरी गाठा कठैली, पर पर मा पात, तुम तो बसवा फरो न फूलो, बन गओ जन्म के पापी, बसवा काहे पियरा तेरी पाती, जा बसवा का सब कोई जाने, इस बास को सब कोई जानता, या बसवा का सब कोई जाने, अरे सब कोई कहता है, जा बसवा का सब कोई जाने, सब कोई कहता है, अरे वक्त पर एक पर काम देता है, अरे मारो दुश्मन करी छाती, बसवा का है दिया तेरी पाती, भूखो बहुत बिखर लागी, सही कहो, बोल नहीं निकलत, लेकिन अब का करी, औलाद के बड़े आदमी बहुत ही परेशान हो। सही कहो बाबा, आओ चली चली, थोड़ी दूर बच्चा है, आओ चली, आओ चलते, सब लोग ये बच्चे ये बलक बखारे बैठ रहना चुप बैठे, ऐ ना करना दांत मत फाड़ना। हाँ मोरे घर इंजन कबे कबे हर हर महादेव सारे
ना रात में हर हर महादेव, दिन भर राम राम, शाम के साथ हो गरम। इसार चंदईपुर के भाटा ही आए कभी। कब तुम आए को? हम तेरे बाप के बाप हैं। मोरे आखिर तक डर जो ना मारियो सारे बाल हो जाए। कहे तबे तमोरे बाप का बाप का सत भाई बता तुम। अच्छा ये बता, तो इसी तरीके श्राप तुझे मिलेगी? अच्छा तू अपने बाप के बाप को क्या कहता है? मैं अपने बाप के बाप का बाबा कहता हूँ। तो हम कौन है? तुम बाबा है और क्या? हम तेरे बाप के बाप हैं। हाँ यार बाप, अबे साले तू मेरे बाप का बाप है। हाँ अबे यार, पापा हो ये अपने का, अब बाप बापा उतनी न करे। अरे हम लोग बहुत दूर दराज से आ रहे हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, जो पूछो वो बता सकते हैं, तेरे भविष्यवाणी की बात बता सकते हैं, तेरे घर की बात बता सकते हैं। नहीं बाबा। हाँ अरे बाबा, तय के देखो मोर हाथ वाला, तय के देखो मोरे किस्मत में कहा है। एक किस्मत झंड है सेल नहीं लावा, नहीं मालिक तो यही हो जाएगा। हाँ भाई ये कम कीमत का आवत है, बताओ एकाई आओ बाबा। ऊपर आ जाए सारे अपने घर समझे का बबलू, तुम सुधर जा से लेके आवा करो। हेलो, क्या पूछना चाहता है? हाँ यार मोर रेखा देखो यार, मोरे हाथ में कहा लिखा है? क्या लिखा? क्या खाना खा के घर से आया? क्या खाए हो तो बहू, अगर पहुंचा हो तो बाबा यही बता दो। हाँ याद से क्या खाए? आज मक्का खा के आए। अच्छा दिखा दिखा, हम तो ऐसे उसे महात्मा नहीं है। नहीं सर सही याद दिखे, इनका हाथ खाते हाथ बढ़ाते झाऊआ पर थूकी। तुम्हारा दिमाग खराब है? हम महात्मा है, ऋषि है, मुनि है। का तुम ऋषि मुनि हो? है मुनि। अच्छा मुनि, अच्छा सर है। गाली मत दो, हम लोग महात्मा है। मक्का खा के आए, आज बहुत अच्छी चीज खा के आए हो। जब मैं इसे कहूँ एक दो तीन तो इसको बांध लेना मुट्ठी, हाँ फिर बता दूंगा। एक दो ऐसे ऐसे करो। सही हो यार, बाबा बड़े जान पड़वा है हो। हे हे बात नहीं भाई, कसम से आज मैं घरे का है, यही घर मालिक मौका है पे तक छोड़ा नहीं। घरे का मोरे नथनपुर की बजा लोग जाता है नारे घोसने लीन ले जाए। मोरे नथनपुर की रही है बाजार, अब भैया मकान जैसे के घर पहुंचे मेहरार पानी नदी माई का पहले ज्वारा थमा दी। कहा जाओ बाजार से सब्जी लाओ जा, मकान कहा लाई हम? अरे कहा ले आ बढ़िया बढ़िया जी। चलते पर भैया माही का ये लंबो देखा, लौकी लौकी ला चना की दाल फलवा बढ़िया बनवाए। और बाबा मैं लौकी खा के, लौकी की सर आज खाया है ना? हाँ बाबा। और क्या पूछना चाहता है? बताइए। हाँ बताइए। क्यों नहीं बता देंगे? अरे हम भविष्यवाणी की बात बता सकते हैं। भविष्यवाणी की? हाँ क्या होने वाला है? अरे तेरा घर द्वार किधर है, कैसे बना है? अच्छा तो यही बता दे, यही बता दे मेरे घर का द्वार मुहार कैसी है? तेरे घर का मुहारा? हाँ तेरे घर का दरवाजा द्वारे की तरफ है। कस बाबा गए रहे काबे? मैं कहाँ गया था? तो यार तो कसत जान गए। हाँ भैया मोरे घर का मुहार द्वारे का ही है। सही है यार,
बाबा बहुत जाना था। ओ बाबा और क्या पूछ रहे थे? अब बताइए हो। हाँ यह बताओ, अब यह बाबा से पूछिए। अच्छा पूछ लो, बताइए।